सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो है सेवन ऑफ कप का। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है अभी अभी। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में पार्टनर कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, आपकी लाइफ में करियर इम्पॉर्टेंट है, आपका पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, या आप किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ को, अपनी रोमांटिक लाइफ को, अपने लव लाइफ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत मैस हो रही है। और साथ ही साथ आपके पार्टनर की बात की जाए, जो कि हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो फायर साइन को बिलोंग करता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके जो पार्टनर हैं वो लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और उनकी जो डिमांड है वो आपसे टाइम चाहते हैं, वो आपसे पूरा टाइम चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास रहो, आप उनसे बात करो, आप उनसे अपने चीज़ों को शेयर करो। वो आपका अटेंशन चाहते हैं जो कि आप उनको दे नहीं रहे हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, इट कैन बी वाइस वर्सा। सो प्लीज़ आप थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस रीडिंग को लेना। बट मुझे अटेंशन की कमी लग रही है, फोकस की कमी लग रही है आपके रिलेशनशिप में, और डिस्ट्रैक्शन की भी एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका लव लाइफ या आपका प्रोफेशनल या फिर कोई और चीज़। सो उस चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा और एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, ठीक है, एक 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 जंग सी सिचुएशन है। आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप उनको गलत बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक बिटरनेस दिख रही है कार्ड्स में, एक एक गुस्सा दिख रहा है, एक कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है। बट ये पॉजिटिव वे में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट अभी चीज़ें थोड़ी सी रफ पैचेस के साथ चल रही हैं, बट मुझे लगता है चीज़ें इम्प्रूव होंगी। मुझे ऐसा लगता है एक एनर्जी ख़त्म होगी नेगेटिव और एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। साथ ही साथ जो मुझे आपके लिए प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप का वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, फिर भी मुझे ऐसा आपके अंदर ना रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, ओके। और आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, वो थोड़े से स्ट्रांग हेडेड पर्सन हो सकते हैं। तो आप उनसे उस प्यार को, उस अटेंशन को चाहते हो। एक तरीके से आप चाहते हो कि वो आपको पैम्पर करें, पर वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपको पैम्पर नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, और वो अपने काम में बहुत बिजी हैं, वो किसी टेंशन में या फिर अपने करियर को सेट करने के चक्कर में आपसे उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट मुझे ये चीज़ें आपकी मंथ में ठीक होते हुए नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपकी ठीक हो जाएगी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पीनेस आएगी। स्टार का कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये बताता है आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं रिलेशनशिप से वो सारी पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी हैं, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आपका पार्टनर भी एफर्ट डालेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट डालेंगे, आपका पार्टनर भी एफर्ट डालेगा। दूसरा, साथ में नाइन ऑफ कॉइन का कार्ड आया है जो कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी, आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होंगी, और आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोशिश करो इसको रिजॉल्व करने का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ मुझे एक जजमेंट का कार्ड आया है जो कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ओके। सो ये भी हो सकता है कि फिर इस मंथ में आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो, बेटर हो, इम्प्रूव हो। अब इसके ऊपर ज़रूर ये बात मायने रखती है कि आपका पास्ट रिलेशनशिप कैसा था। अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा था आपके पार्टनर के साथ, तो ऑफकोर्स आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। बट अगर आपका पार्टनरशिप, आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ उतना स्ट्रांग नहीं था, तो चीज़ें हो सकता है इतनी इम्प्रूव ना हो, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी पार्टी में जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और आपका ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। आप इस मंथ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। जो भी आप दोनों के बीच में
कंफ्यूजन है वो चीज़ें ठीक होंगी। और हर चीज़ में कंपटीशन अच्छा नहीं होता, कम से कम रिलेशनशिप में नहीं। तो रिलेशनशिप में आप अच्छे से उनके साथ डील करो और आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस से ख़राब हो जाती है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी गाइडेंस आपको मिलती है जो कि नेगेटिव होती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो जो बंदा गाइडेंस दे रहा है वो गलत है, बट वो जिस तरीके के एक्सपीरियंस लेके आया है वो उसके बेस पे आपको गाइडेंस देता है, उसके बेस पे आपको सजेशन देता है। तो कभी भी नेगेटिव पर्सन से गाइडेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव गाइडेंस ही होती है। ओके, सो सही चीज़ के लिए सही सजेशन लेना ज़रूरी है और सही पर्सन से लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी आप गाइडेंस लेते हैं, मेक श्योर कि आप जिससे लें वो बहुत ही करेक्ट पर्सन हो। लाइफ के किसी भी एलिमेंट में, लाइफ के किसी भी इवेंट पे सही पर्सन को चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आप बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, और इस क्वालिटी को आप यूज़ करें इन अ बेटर वे, नॉट इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अगर आप कॉम्पिटिशन करेंगे तो आप हमेशा हारेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मंथ, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो और आप अपने बीच के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव कर लें, अच्छा कर लें, ठीक कर लें। और जिनके बीच में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, सो इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ।